नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइमिंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने बहुत बोरिंग मूवमेंट दी। ऊपर में करीबन 44,060 के आसपास ओपन हुई, जो एक्सपेक्टेड था कि एक लेवल के ऊपर ओपन होने का। जैसे कि मैंने लिखा था कि 44,060 के ऊपर अगर ओपन हो गई और सस्टेन हो गई मूवमेंट तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो 44,060 के आसपास ओपन हुई और वहाँ से थोड़ी नीचे आई। नीचे आने के बाद वहाँ पे बॉटम को सपोर्ट लेके वापस एक बार ऊपर गई। तो मुझे ऐसा एक फील हुआ कि यहाँ पे 44,060 में ही रुक रही है, तो मैंने एक 44,110 के ऊपर बाय कीजिए करके मैसेज डाला मैंने टेलीग्राम में। लेकिन वो 110 के ऊपर बाय डाल के मैंने जो स्टॉप लॉस डाला था, वो स्टॉप लॉस करीबन लास्ट तक वो होल्ड किया और लास्ट में जाके वो हिट कर दिया। तो एक्चुअली बैंक निफ्टी में मोमेंट ही नहीं आई, तो इसकी वजह से वो हिट हो गया। एक चीज़ मैं अपडेट करने का रह गया, जो मुझे एक्चुअली बाद में थोड़ा रियलाइज़ हुआ, मैंने भी बराबर देखा नहीं क्योंकि मैंने ये एंगल डाल के मैं जस्ट वॉच किया। लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है, हाई का एंगल हाई डाल के यहाँ पे एग्जिट मिल रहा था, लेकिन मैंने वो इग्नोर किया शायद, या कैसे इग्नोर हो गया मुझे पता नहीं। मुझे करीबन 2 बजे के आसपास पता चला, रहे यहाँ पे तो ये एग्जिट था, हम लोग फिर वापस बाय दे सकते थे। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो एंट्री है और जो स्टॉप लॉस है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, और उस वक्त रेट भी बहुत ऐसा कुछ खास नहीं था, तो मैंने फिर वो इग्नोर कर दिया। तो वो इग्नोरेंस की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अदरवाइज हम लोग अलर्ट रहते हैं तो हमारा वो स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट रहता था और पैसे भी बचते थे, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी क्या करेंगे, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, जो रिसेंट हाई जो बनाया है उसके ऊपर का, ये जो रिसेंट हाई ये बना था 43,000 44,000 के आसपास बना था, उसके ऊपर जाके आज मूवमेंट दी। और जो ये जो हाई था वहाँ से जो उसने सॉरी ये जो हाई था अभी वहाँ से ऊपर जाके उसने कोशिश की ऊपर बंद होने की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन हर्ज नहीं है, ये प्रोसेस ये है कि अगर ये 44,210 के ऊपर अगर ये निकल जाती है मूवमेंट, जैसे कि ये एंगल जो है वो 240 है, एक मिनट, हाँ 240 है, सॉरी मैं ये 210 लिख गया था, 240 के ऊपर अगर ये मूवमेंट निकल जाती है तो 500 के लिए आराम से, ये मैंने ये अंदाज से थोड़ा सा डाला था, 350 कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से ऊपर की साइड में कोई फिर वो ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो बीच में एक अंदाज से अपने को डालना पड़ेगा, या तो ऑनगोइंग प्रोसीजर में अपने को कैसे वो एंगल शिफ्ट होता है या स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है वो देख लेंगे। तो कल के लिए रेजिस्टेंस के पॉइंट के हिसाब से 44,240 का एक रेजिस्टेंस आएगा, उसके ऊपर जाने के बाद फ्री जोन है 44,350 44,500। नीचे के साइड में अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, कल फेड की मीटिंग है, अगर निगेटिव न्यूज़ आती है तो कहाँ पे पकड़ना है, तो मैक्सिमम जो अच्छा लेवल है पकड़ने का वो 43,600 और 580 का जो है, कल जो मैंने दिलाया था वही लेवल इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मॉर्निंग का जो प्रे फोर्स है वो एक बार सेटल होने के बाद आप कोशिश करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो 44,750 ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। बैंक निफ्टी में आज दिन भर कुछ किया नहीं, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ यही एक मौका था कि हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते थे या तो सेल भी कर सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, इसके आगे हमको थोड़ा और अलर्टनेस बढ़ाना है, ये देख के ये सोच के हमको काम करना है। अलर्ट ज़्यादा रहेंगे तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, तो
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इजी रह के काम करने का कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी वो इग्नोर हो जाता है कि बाबा ठीक है देख लेंगे। ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड की वजह से क्या हो जाता है कि कभी कभी ट्रेड हम लोग मिस करते हैं, तो मेरे साथ वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ाने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे, और थोड़ा सा लेवल पे सिग्नल देने की कोशिश करूँगा। एग्ज़िट अगर जल्दी आवे तो जल्दी देने की, एग्ज़िट भी देने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स सी कि हाउ इट विल वर्क्स। उसके बाद निफ्टी के व्यू पे मैं आता हूँ। सॉरी, उसके बाद मुझे एक मेंशन करना है कि कल मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 44,000 का कॉल के बारे में मैं व्यू दूंगा। तो ये 44,000 का कॉल है जिसका एंगल मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के, वो सब जगह फिट बैठ रहा है क्या ये देख के मैंने 5 मिनट में शिफ्ट किया हुआ है। तो 15 मिनट का एंगल है ये, आप देखिए। मैंने ये देखा कि यहाँ से आप देखेंगे कि ये मैंने 15 मिनट का एंगल डाला तो ये कैसे मैच हो रहा है, यहाँ पे कैसे मैच हो रहा है, यहाँ पे कैसे मैच हो रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद अब उनको पता चलता है कि 5 मिनट का वर्क करेगा अच्छा कि 15 मिनट का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट का वर्क नहीं करेगा, 5 मिनट का भी वर्क करेगा, लेकिन वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। जो अभी का यहाँ पे जो दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और ये जो दिखा रहा है, ये 15 मिनट का टाइम एंगल अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैंने टाइम एंगल 15 मिनट का डाला हुआ है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद ये एक लो बना, ये लो नहीं ये हाई बना, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ है। उसके बाद ये लो बना, उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद ये बना, अब इसने हाई कौन सा किया हुआ है, तो पहला हाई ये है और दूसरा हाई ये है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर ये हाई के ऊपर प्राइस निकल जाती है तो इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, जो इसका पॉइंट है 270 के आसपास है, सॉरी 240-50 के आसपास है। तो 240 समझो मॉर्निंग में अगर हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी समझो ऊपर खुल गई, तो 240 के ऊपर वो एक्चुअल मूवमेंट दे देगी, जो जहाँ पे आपको टारगेट रहेगा 370 और 500 के आसपास टारगेट रहेगा। ये 370 का एक टारगेट रहेगा और उसके ऊपर फिर वो 540-50 का, 550 का टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये वो टारगेट देने के लिए। तो इसके लिए मैं आराम से बोल रहा हूँ कि ये 500 का टारगेट आ जाएगा। तो 240 के यहाँ पे अगर आपने बाय किया तो आपको स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आपको वो स्टॉप लॉस 190 के आसपास रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एज गुड एज ये जो 44,000 का कॉल है वो एज गुड एज फ्यूचर के जैसे एक्ट करेगा। तो आपको 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 240 का 180 भी आपको रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा वो देख जजमेंट लेके काम करना है, और वो टाइम एंगल कैसे क्रॉस होता है, कैसे क्या होता है, वो अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो गए तो आपको रेगुलर अपडेट्स बहुत जल्दी मिलेंगे टाइम एंगल का। अगर आप प्लॉट नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि कॉल के और पुट के सिग्नल भी डालने की कोशिश करूँगा। आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाउ जोन्स का भी मैंने डाला हुआ था, आप शायद आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, फिर भी मैं एक थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डाउ जोन्स का कम्युनिटी पोस्ट, एक सेकेंड ना, सॉरी, ये कम्युनिटी पोस्ट में मैंने यहाँ पे एक तो यूएस डॉलर का मैंने चार्ट डाला था,
या आप देखेंगे तो ये आप देख लेना कि इस पे यूएस डॉलर के ऊपर भी ये कैसे टाइम एंगल काम करता है, ये आप चेक कर लेना। इसके बाद मैंने एक मिनट, डाउ जोन्स के ऊपर भी मैंने डाला हुआ है, वो भी आप चेक कर लेना कि डाउ जोन्स का चार्ट कैसे काम करता है। तो मैं अलग अलग जगह पे ये टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सच पूछो तो कमोडिटी, डाउ जोन्स, मतलब फॉरेक्स, इंडाइसेस, सब जगह ये बैठता है, परफेक्ट बैठता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से एंगल कहाँ पे कैसे फिट हो रहे हैं। आपको अगर इसमें डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो कि ये कौन सा एंगल डाला है, क्या है, तो मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद HDFC का मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि रेडी टू क्रॉस द अपवर्ड एंगल। तो HDFC आपने देखा होगा मैंने ये जो बाय कॉल दिया था वो करीबन 1597 के आसपास दिया था या 1600 के आसपास दिया था, और मैंने वहाँ पे बोला था 1570 का स्टॉप लॉस से इसको बाय करना, और बहुत बड़ा टारगेट मतलब 1900 के आसपास का टारगेट दिया था, और ये भी लिखा था कि 1660 के ऊपर जब ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर की साइड में फ्लरिश हो जाएगा। तो आज ये रेडी टू क्रॉस अपवर्ड एंगल करके मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी ये देख सकते हो कि कैसे काम कर रहा है। और मैं उस वहाँ पे एग्जांपल्स देते जाऊँगा कि ये ऐसे ऐसे हुआ, जैसे कि ये मैंने बाद में और एक बैंक निफ्टी का डाला था कि अपवर्ड एंगल ने रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड किया है, और वहाँ पे ऐसे मैं वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको सब चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको निफ्टी का एक्सप्लेन करता हूँ एनालिसिस। आज निफ्टी ने सेम चीज़ की है कि मैंने लिखा था कि 18,660 के ऊपर अगर ये निकल जावे तो ये हमको ऊपर की जर्नी शुरू कर देगी, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, 18,060 के ऊपर तो गई, जैसे कि ऑल टाइम हाई जो है वहाँ से ये जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है उसके ऊपर गया, लेकिन गोली की जैसी मूवमेंट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई, फ्रेंकली वो आई नहीं। अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग ये हुई है कि जो डाउनवर्ड एंगल जहाँ पे ब्रेक करके ये निकल गया था ऊपर की साइड में, वो उसने इंटैक्ट रखने की कोशिश की। अभी मैंने 1635 का स्टॉप लॉस दिया था, उसने 1632 का लो किया, वो ठीक है, मतलब उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाउनवर्ड एंगल जो क्रॉस किया था वहाँ पे उसने होल्ड करने की कोशिश की है। तो अभी सपोर्ट के तौर पे 18,550 रहेगा और 18,430 रहेगा। कल अगर नीचे के साइड में खुला तो 18,550 के आसपास सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा, ऊपर की साइड खुला तो इसके ऊपर अच्छी मूवमेंट आएगी 740-50, 18,810, 18,900 और 19,000, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको ये मैंने पहले ही निकाल के रखे है, जैसे कि इसका ये 18,040 और 50 का ये जोन है अपवर्ड एंगल का, उसके बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल का जोन है और ये हाई का अपवर्ड एंगल का जोन है 18,900, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का जो है वो 19,100 के आसपास आता है। अभी 19,000 का जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको एक वो शिफ्ट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट में। अगर आप देखेंगे तो ये जो एंगल है वो ये जो मैंने चैनल का एंगल डाला था वो 19,000 के आसपास ही है, तो वो 19,000 के आसपास ही है, तो ये मैंने लेवल जो दिए वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको काम कैसे करना है कि जब भी आप कोई एंगल को रेफर करते हो तो वो एंगल के नीचे बाय होने के बाद वही एंगल का रेफरेंस लेके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कल के लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, अगर 18,750 के ऊपर निकल गया और वो स्टेडीली मूवमेंट किया तो उसके ऊपर फ्लरिश होने वाला है, तो वहाँ पे आपको एक्ट करना है नीचे के साइड में 18,550। अगर 18,500 या 430 टूटा तो मेजर वीकनेस निफ्टी में दिखने का चालू हो जाएगा।
तो वो भी एक आपको ख्याल रखना है। बैंक निफ्टी में उतना वीकनेस नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में अभी भी वीकनेस दिख सकता है अगर 18400 टूटेगा तो ये जो है ये पोर्शन भले उसने होल्ड किया है, लेकिन कोई कल कोई भी हाल में अपवर्ड एंगल उसने क्रॉस करना चाहिए, उसके बिना ये ऊपर के साइड में चलने वाली नहीं है। तो निफ्टी का मैंने ऊपर के साइड में 19,000 का टारगेट लिखा है, क्योंकि ये अपवर्ड एंगल जो है ऑल टाइम हाई से क्रॉस हुआ है, तो ये प्रोसेस चालू है कि ये हाई क्रॉस हो जाएगा, 18,900 और 19,000 का टारगेट आ जाएगा। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कल बताया कि 46,000 का टारगेट पक्का आएगा, तो मैंने आज थंबनेल में वो डाला हुआ है, और 44,000 का कॉल हीरो हो जाएगा अगर वो प्रॉपर आप काम करेंगे तो, उसमें आपको अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।